हेलो गाइस, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर अकाउंट्स का आपको 20 मिनट में सिखा सकता हूं, तो क्या ये मजाक है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। ऑनेस्टली, मेरे दो छोटे छोटे वीडियोस, 10-10 मिनट के वीडियोस, आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर पार्टनरशिप का फिनिश कर देगा, दैट इज गुडविल। इन लेस देन 20 मिनट्स आई एम गोइंग टू कंप्लीट द होल चैप्टर ऑफ गुडविल। सो जस्ट इस वीडियो को आगे तक देखते रहना, चैप्टर खत्म 100% होना ही होना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका मेंटोर मोहित। आज मैं आपके साथ में जो टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूं वो पार्टनरशिप का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, राइट? आज के मेरे टॉपिक का नाम रहेगा गुडविल। हमने ये शब्द बहुत बार सुना है, वी हैव लिसन दिस वर्ड मेनी टाइम्स, गुडविल गुडविल गुडविल। नाउ व्हाट इज दिस गुडविल ऑल अबाउट? सर देखिए, हर पर्टिकुलर कमोडिटी को जब भी हम मार्केट प्राइसेस से ज्यादा में बेचने की कैपेसिटी करें या फिर मार्केट स्टैंडर्ड से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, सो वो पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ गुडविल। अगर आपकी कोई भी कंपनी हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपकी कोई भी सर्विस हो, अगर आपका गुड्स, आपकी कमोडिटी, आपका सर्विस अगर मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइसेस पे बिक रहा है या प्रीमियम पे बिक रहा है, तो आप एक तरह से बोलोगे दिस इज बिकॉज योर कंपनी इज ओनिंग सम अमाउंट ऑफ गुडविल इन द मार्केट। ये गुडविल बेसिकली आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा फेवरेट बना देता है मार्केट में, आपके प्रोडक्ट को एक अच्छा इंपॉर्टेंस देता है मार्केट में। सो वो चीज और कुछ नहीं है सर, वो आपकी कंपनी की गुडविल है। ये गुडविल होता कैसे है? सर देखिए, बहुत सारे टी शर्ट मार्केट में अवेलेबल है, राइट? 300 रुपए भी मिलेगा ये टी शर्ट, 1300 में भी मिलेगा, 3000 में भी मिलेगा। अब आप 300 वाला लोगे, 1300 वाला लोगे कि 3000 वाला लोगे, वो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड है। अब ये ब्रांड क्या होता है? सर ये ब्रांड एक कंपनी ने अपने नाम को डेवलप कर लिया, अपने गुडविल क्रिएट कर लिया मार्केट में। अच्छा, जैकिन जोन्स का शर्ट अच्छा ही होगा, अच्छा पेपी जीन्स का अच्छा ही होगा। इन शॉर्ट, हमने कुछ ब्रांड्स को एक अच्छा इंपॉर्टेंस दे दिया। दिस इज बिकॉज दोस पर्टिकुलर थिंग ओन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ गुडविल इन द मार्केट। सो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गुडविल को वैल्यू करना जरूरी है, क्योंकि गुडविल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, उसको वैल्यू करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सो अब गुडविल को मेजर कैसे करें? भैया गुडविल को कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी की गुडविल कम है, किस में गुडविल ज्यादा है? सो गुडविल को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रॉफिट, कि जो कंपनी मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, मतलब उस कंपनी में कुछ तो बात है, उस कंपनी की कुछ तो शानदार गुडविल रही होगी। तो उसे हम बेसिकली प्रॉफिट से लिंक करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, कि जिस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा है उसमें गुडविल ज्यादा है। सो उसके लिए इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए हमने गुडविल को एक बहुत बड़ा डिटेल्ड एलोबोरेशन देने की कोशिश की है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी परेशानी हो, बिना टेंशन लिए, बिना कोई सोचे ज्यादा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए या मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। आई नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रॉमिस कि मैं करूंगा ही, बट 100% मैं ट्राई जरूर करूंगा कि मुझे जब भी टाइम मिले, मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत निकले, मैं आपके क्वेश्चंस के, आपके प्रॉब्लम्स के पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट इनफ। चलिए आगे बढ़ेंगे आज हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज ऑल अबाउट गुडविल। अब गुडविल को मेजर करने के बेसिक्स में चार मेथड रहते हैं। सबसे पहले मेथड को कहा जाता है सिंपल एवरेज मेथड, दूसरे को कहा जाएगा वेटेड एवरेज मेथड, तीसरे को कहा जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड द लास्ट वन इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड, राइट? कभी कभार कुछ कुछ किताबों में इन दोनों मेथड को मर्ज करके एक नया मेथड और बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड को एक नया नाम दिया गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये कुछ बुक्स में होगा, कुछ में नहीं होगा, टेंशन मत लेना, नहीं हो तो जाने देना, राइट? मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, मैं आपको पांचों बताऊंगा इन शॉर्ट। चलिए अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले मेथड से, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड। बट वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जब कभी भी आप कोई एक स्पेसिफिक मेथड स्टार्ट करें, आप ये बात समझ लीजिएगा कि गुडविल को मेजर करने के लिए आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? वो प्रॉफिट होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशंस नहीं हो, मतलब जिसमें ना कोई अबनॉर्मल लॉसेस हो, ना कोई अबनॉर्मल गेन्स हो। तो इसलिए आपको निकालना पड़ेगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप मुझे पूछेंगे सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, तो बच्चा लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट में से आप अबनॉर्मल लॉसेस, आपके जो अबनॉर्मल गेन्स और अबनॉर्मल लॉसेस है उन्हें एडजस्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे? आपके जो भी अबनॉर्मल गेन्स है उन्हें आप वापस से लेस कर दीजिए, क्योंकि आपने उनको ऐड किया था, और आपके जो अबनॉर्मल लॉसेस है उन अबनॉर्मल लॉसेस को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपने उनको कोई जमाने में प्रॉफिट में से लेस किया था।
मैं क्या कह रहा हूं समझाता हूं। अगर सपोज कर लीजिए आपका प्रॉफिट रहा है 5 लाख, राइट, इस 5 लाख के प्रॉफिट में आपका एक अबनॉर्मल गेन है, आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो रखा है, इट कैन बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट जो आपके नॉर्मल बिजनेस का नहीं हो, सो ऐसे प्रॉफिट को आपको हटाना पड़ेगा, वो प्रॉफिट नहीं चलेगा, तो वो 2 लाख का अबनॉर्मल गेन आप माइनस कर दीजिए। प्लस आपके ऐसे कोई अबनॉर्मल लॉसेस है जो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के नहीं है, तो आपको उन अबनॉर्मल लॉसेस को वापस से ऐड करना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ड्यू टू फायर सपोज कर लेते हैं, वो अमाउंट हो गई 1 लाख, तो आपको उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपका नॉर्मल प्रॉफिट रहने वाला है 4 लाख, तो आपको ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद में ही आप कोई भी मेथड आगे कंटिन्यू करेंगे। याद रहेगा सबको कि जब कभी भी हम गुडविल स्टार्ट करेंगे पहले हमें चाहिए एक नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें अबनॉर्मल लॉसेस ना हो, अबनॉर्मल गेन्स भी ना हो। ये मिलने के बाद में आप स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले मेथड के साथ में। हमारा आज का सबसे पहला मेथड है, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है, चलिए स्टार्ट करेंगे सिंपल एवरेज मेथड। सर नाम चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, मैं बड़ा सिंपल हूं, इट्स ए वेरी सिंपल मेथड, यस ऑफ कोर्स इट्स ए सिंपल मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इयर्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इयर्स। हमारे यहां पे हमारा टोटल प्रॉफिट है 10 लाख का और हमारे नंबर ऑफ इयर्स है 4, मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,50,000 रुपीज। हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 2,50,000 रुपीज, अ सिंपल वन। इसके बाद में हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला रहेगा योर एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेजेस। सर इयर्स ऑफ परचेजेस आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ज्ञान के लिए बताता हूं। इयर्स ऑफ परचेजेस मतलब आपको क्या लगता है कि ये प्रॉफिट कितने साल तक रहेगा कंपनी का, तो उसके लिए हम कंपनी को एक डिफाइंड टाइम देते हैं कि भाई हमें लग रहा है कि आपके नाम का बेनिफिट हमें 2 साल मिलेगा या 3 साल मिलेगा। ये नंबर ऑफ इयर्स एक नेगोशिएशन के द्वारा फिक्स किए जाते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेट अस सपोज इस क्वेश्चन में मुझे दिया है इयर्स ऑफ परचेज 3 इयर्स, तो मैं कर लूंगा एवरेज प्रॉफिट है मेरा 2,50,000 और इयर्स ऑफ परचेजेस मेरा हो जाता है 3 साल। सपोज 3 साल मैंने अज्यूम किया, राइट, तो टोटल हो जाएगा 7,50,000, दैट वुड बी योर गुडविल, एंड दिस इज द फर्स्ट मेथड। आई होप दिस इज रियली सिंपल एवरेज मेथड, राइट, बड़ा सिंपल था ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ में। ये मेथड थोड़ा सा बढ़िया मेथड, राइट, इस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। ये मेथड कहता है कि आपको हर ईयर को अलग अलग वेट देना चाहिए, अलग अलग इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और लॉजिकली बहुत सही बात बोलता है ये मेथड। भैया ये कहां की समझदारी है कि आज से 5 साल पहले मैंने जब कंपनी चालू की थी तब के प्रॉफिट को और मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए, ना ना ना, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। तब तो मेरी कंपनी नहीं थी, आज मेरी कंपनी सेट है, सो 100% उस प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस कम दिया जाना चाहिए और करंट प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाना चाहिए, और वो चीज करता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एंड दैट्स द रीजन आई लव दिस मेथड एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज मेथड। चलिए स्टार्ट करेंगे मेथड करना कैसे। आपको इयर्स ऑफ प्रॉफिट दिया होगा, आपको देना है वेट, आपको देना है वेट। वेट या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किए होंगे या आपको वेट हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, राइट, तो 1, 2, 3, 4 हमने वेट दे दिया, टोटल आ गया यहाँ पे 10। फिर हमें करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दैट इज प्रॉफिट इंटू वेट करने पे हमें मिलता है प्रोडक्ट। हम प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख इंटू 1 2 लाख, 3,50,000 इंटू 2 7 लाख, एंड सो ऑन, राइट। अब रहेगी बारी हमारे फॉर्मूले की, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला रहेगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट था मेरा 46 लाख, टोटल वेट है मेरा 10 लाख, मतलब मेरा एवरेज प्रॉफिट हो जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाता है 4,60,000, राइट। आगे निकालेंगे गुडविल, सेम एज अबव जो पिछली बार किया था, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेजेस। अगेन मैंने कहा था इयर्स ऑफ परचेजेस आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, हम अज्यूम करते हैं भैया 2 साल है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 4,60,000, 4,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, आर टोटल आंसर्स गोज टू 9,20,000, हमारा आंसर हो जाता है 9,20,000। बहुत सिंपल है, राइट, खाली यहाँ पे आपको वेट देने हैं, वेट या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा या 1 से लेके जहां तक जाओ वहां तक लेके चले जाओ। बट याद रखना ये प्रॉफिट जो भी हमने यहाँ पे लिया है इट्स अ कंप्लीट नॉर्मल प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में कोई भी अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, इसलिए पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना फिर आगे सबको कैरी ऑन करना। आई होप दिस मेथड इज वेरी वेरी इजी।
इसके बाद के दो मेथड्स मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी चिंता हो, 100% मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने मैसेज छोड़ते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हमें मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। सर हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, बहुत बहुत मजा आता है जब बच्चे कुछ अच्छा लिखते हैं कि सर आज तो मजा आ गया, क्या पढ़ा है सर, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा। सो वी फील वेरी गुड, ऑनेस्टली दिस इज अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग फॉर टीचर्स लाइक अस, राइट। सो प्लीज कीप कमेंटिंग, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो हमें बताइए, मैं 100% कोशिश करूंगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा लूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी दो मेथड्स है, गलती से भी देखना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। बाय बाय फॉर द डे।